अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ सेशन। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था IAS 19 का। जज़ाकअल्लाह राशिद भाई। बस नहीं, ठंड लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, हमारा डिस्कशन चल रहा था IAS 19 का, एम्प्लॉई बेनिफिट्स का। थोड़ा सा जरा मैं रिकैप कर दूं जो हमने पढ़ा और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड है क्या? अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आएंगे, लेकिन हमने अभी सिर्फ ये डिस्कशन स्टार्ट किया था कि व्हाट आर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉई बेनिफिट्स होते क्या हैं। अच्छा, होते क्या हैं, और हमारा जाहिर सी बात है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर जो मकसद है वो क्या होगा कि इसको अकाउंट फॉर कैसे किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यानी कि जो एम्प्लॉयर ये बेनिफिट्स दे रहा है उसकी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो फिर मैंने उसका डिस्कशन स्टार्ट किया कि एम्प्लॉई बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमारे जहन में क्या आते हैं, ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम जानते हैं, और तकरीबन सारे बेनिफिट्स हमारे सामने। कोई भी बंदा जो एम्प्लॉई होता है, एम्प्लॉयमेंट पर होता है, उसको सैलरी भी मिलती है, बोनस भी मिलते हैं, लीव्स भी मिलती हैं, अदर परक्विजिट्स भी मिलते हैं। परक्विजिट्स में घर हो गया, गाड़ी हो गई, इसके अलावा फ्यूल अलाउंस, अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। चल, तो क्या ये कोई नई चीज़ है हमारे लिए? नहीं, हम देखते हैं, हमें पता है ये वाले एम्प्लॉई बेनिफिट्स और इनको अकाउंट फॉर करना। आज तक हमने जो एम्प्लॉई बेनिफिट्स अकाउंट फॉर किए वो बड़े सिंपल वाले थे, आसान वाले थे, जैसे कि सैलरी, बहुत आसान है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, जो सैलरी पे करनी है वो क्रेडिट कर दी हमने। बोनस, सर एम्प्लॉयज को बोनस देना है, अकाउंट फॉर करना बहुत आसान है। बोनस एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, बोनस पेबल क्रेडिट कर दिया, और जब ये बोनस दे दिया जाएगा तो बोनस पेबल को डेबिट करके कैश और बैंक आप क्रेडिट कर देंगे। ऐसा ही करते नहीं करते? अच्छा, और मिसाल के तौर पर अगर ईयर एंड के ऊपर वो बोनस पे नहीं होता तो लायबिलिटी बुक हो जाती, और वो लायबिलिटी कहाँ जाती है? करंट लायबिलिटी में जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाती है? करंट लायबिलिटी में जाती है। क्या क्राइटेरिया होता है करंट और लॉन्ग टर्म का? Which is payable within one year, which is expected to be settled within a year. तो अब सर जब ये बोनस है, तो ये बोनस तो सर जैसे ही अगला साल शुरू होगा, एक दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर अंदर ये पे हो जाएगा। तो ये सारी के सारे अक्रूवल हम वैसे ही खड़े करते हैं, ये तो हमें पता है, कोई नई बात नहीं है सर हमारे लिए, हम ये करते आ रहे हैं, आसान चीज है ये। अभी तक तो सब चीजें आसान थी, लेकिन अब जो चीजें आएंगी वो इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट है। देयरफॉर दिस स्टैंडर्ड इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। अच्छा, सैलरी मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं, लीव्स की हमने कुछ बातें की थी, लीव्स की बातें हमने की थी कि मिसाल के तौर पर लीव के केस में क्या भी होता है, ऐसी भी पॉलिसी होती है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी एम्प्लॉई की 30 डेज की लीव्स हैं। अच्छा, लीव्स भी सबसे पहले क्या बेनिफिट है, हमने डिस्कस किया था कल, क्या लीव्स एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट है? जी बेनिफिट है सर, इंसानी दिमाग अकल कहती है बेनिफिट है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग को छोड़ो अभी। सर क्या लीव बेनिफिट है? हाँ सर, उससे पूछें जिसको नहीं मिलती, बेनिफिट है कि नहीं? बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है सर लीव्स में? बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉई इज नॉट अटेंडिंग द वर्क एंड स्टिल ही इज गेटिंग द सैलरी। Now the leaves could be annual leave, casual leave, sick leave. अभी उसकी डिटेल में मैं जा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, SBR का जब हम टॉपिक पढ़ा करेंगे ना, तो यू मत समझना कि स्टैंडर्ड इतना ही आसान है। आपके कोर्स के अंदर वो जो चीजें हैं, हम जाहिर सी बात है कि उसी को पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड के अंदर तो समंदर है, दुनिया आबाद है पूरी। ठीक है, अगर आप लोग IFRS उठा के खोल लेंगे तो उसमें तो आपको इतनी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स और इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन और ये वो सब चीज़ें मिलेंगी कि बोलोगे सर ये तो दुनिया लगे। ठीक है, अच्छा लेकिन वो चीज़ें ऑब्वियस ही बात है कि एग्जामिनेबल नहीं होती इतनी ज़्यादा ACCA के लेवल के ऊपर, क्योंकि जब हम स्पेसिफिकली ICAP का पेपर देते हैं, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, CA का पेपर देते हैं, तो वो CA का पेपर होता भी ओपन बुक है,
यानी कि वी आर अलाउड टू कैरी दोज बाउंडेड वॉल्यूम्स. यस ठीक है. आई कैप के जो स्टूडेंट्स होते हैं अब हर लेवल के ऊपर बाउंडेड वॉल्यूम अलाउ कर दिया है इनिशियल से लेकर फाइनल लेवल तक. यानी कि जो सबसे पहला पेपर है कैफ वन का उसमें भी अलाउ है, कैफ फाइव में भी अलाउ है, सी फैप वन में भी अलाउड है. ठीक है. तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम कि हमें पूरे पूरे स्टैंडर्ड. और अगर आपने स्टैंडर्ड देखा हो तो एक बुक इतनी बड़ी है स्टैंडर्ड की, इतनी मोटी है वाकई में, इतनी मोटी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. दूसरी इतनी होगी, इतनी दूसरी होगी. ठीक है. तो ये दो पूरे पूरे वॉल्यूम कैरी कर, तो जो उसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो स्टूडेंट्स को कराई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि उसमें से कुछ भी आ सकता है. लेकिन ACCA में सबसे अच्छी बात क्या है? ACCA में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक सिलेबस दे दिया, आपको एक स्टडी टेक्स्ट आपके पास है, रेकमेंडेड स्टडी टेक्स्ट आपके पास है, आपके पास पास्ट एग्जाम पेपर्स की गाइडलाइंस हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसी में से आएगा. तो इतनी टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, तो लीव्स के बारे में मैंने आपको इतना अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एम्प्लॉई बेनिफिट्स में कितने टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स की बात हो रही है और हमारा फोकस SBR के पर्सपेक्टिव से किस पर होगा, मैं इस पर आऊँगा अभी. तो लीव्स की मैंने बात की थी कि लीव्स कितनी तरह की हो गई, लीव्स के मोडालिटीज़ कितनी तरह की हो गई. हमने कहा ये भी हो सकता है कि सर लीव पे मिल जाए. लीव पे से मुराद लीव्स अवेल नहीं करी किसी एम्प्लॉई ने और क्या हो गया उसको, इनकैशमेंट हो गई. अच्छा, तो वो है लीव इनकैशमेंट, ये एक अलग मोडालिटी है. अगर लीव उसने कर ली, छुट्टियां अवेल कर ली, तो उसके पैसे मिलेंगे उसको, वो है लीव पे. उसको इस डिफरेंस को मैंने मजीद प्रोमिनेंट करने के लिए एग्जांपल दी थी कि लीव पे में क्या होगा. साल के 12 महीने हैं, एक महीने की छुट्टियां हैं, तो एम्प्लॉई काम कितने महीने करेगा, 11 महीने काम करेगा. देख लो, मंथ्स वर्कड. अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला हाइलाइटर आ रहा है, येलो वाला. मंथ्स वर्कड, कितने मंथ्स काम किया, 11 मंथ्स काम किया. मंथ्स पेड, पेमेंट मिलेगी 12 मंथ की, काम किया 11 महीने, पेमेंट मिल रही है 12 मंथ की. ठीक है, दिस इज लीव पे. लीव इनकैशमेंट क्या होती है, सर छुट्टियां थी और एम्प्लॉई के पास ऑप्शन था कि वो क्या हो सकती हैं, इनकैश हो सकती हैं. तो हमने कहा कि महीने उसने पूरे 12 के 12 महीने काम किए, उसको पेमेंट कितने महीनों की होगी, 13 मंथ्स की होगी. ठीक है. सो स्टिल अ बेनिफिट आपको नजर भी आ रहा है कि एक बेनिफिट है, 12 महीने काम करे 13 महीने की सैलरी मिल रही, सर बेनिफिट तो है ना. लेकिन क्या सर ये लीव्स एक्यूमुलेट भी हो सकती हैं, क्या ये एब्सेंसेस या कंपनसेटेड एब्सेंसेस क्या ये एक्यूमुलेट भी हो सकती हैं? जी हो सकती हैं. लेकिन इसके एक्यूमुलेशन का मतलब ये नहीं है कि जिस साल वो अवेल करेगा एक्सपेंस उस साल बुक होगा. नहीं 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 सर, अकाउंटिंग तो अक्रूवल बेसिस पर चलती है, अक्रूवल बेसिस पर चलती है. जो एक्सपेंस जिस पीरियड से रिलेट करता है हमें उसी पीरियड में बुक करना पड़ेगा. अगर ईयर वन के अंदर एम्प्लॉई ने ये लीव्स की इंटाइटलमेंट उसके नाम पे हो गई थी, ठीक है, ईयर वन के अंदर उसने काम किया, ईयर वन के अंदर कितने महीने काम किए, 12 महीने काम किए, तो क्या उसकी लीव्स की इंटाइटलमेंट हो गई है? जी सर, ईयर वन में ही हो गई. तो ये लीव का एक्सपेंस भी किस साल बुक होगा, ये ईयर वन में ही बुक होगा. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि अगर ये लीव्स अक्रू हो गई हैं या ये लीव्स एक्यूमुलेट हो गई हैं तो फिर इसकी एंट्रीज किस तरह से होगी, मैंने ये भी बताया था. लीव्स जो एक्यूमुलेट हो गई सैलरी एक्सपेंस में, जितने महीने पेड हुए वो भी एक्सपेंस में जाएगा, और ये जो लीव्स एक्यूमुलेट हुई हैं वो भी एक्सपेंस में जाएगा. देखो डेबिट दोनों हो रहा है. ठीक है. और क्रेडिट क्या होगा, बैंक से जो पैसा निकल गया वो क्रेडिट, और इसके अलावा जो लीव्स अक्रू हो गई हैं, जमा हो गई हैं, लायबिलिटी है ना, तो ये लायबिलिटी बुक हो जाएगी. फिर ईयर टू के अंदर क्या करेगा, ईयर टू के अंदर उसने ईयर वन वाली लीव्स भी ले ली, ईयर टू वाली लीव्स भी ले ली. तो हमने कहा सर उसने काम किया 10 महीने, एक महीने की लीव्स ईयर टू की और एक महीने की लीव्स उसने ले ली ईयर वन की. एंट्री कैसे बनी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया कितनी अमाउंट से, हमने कहा सर ये 11 मंथ्स से, दिस इज द एक्सपेंस 11 मंथ्स. ठीक है. 10 महीने जो उसने काम किया और एक साल की जो ईयर टू वाली लीव्स, वो तो ईयर टू वाली लीव्स है ना, उसका एक्सपेंस तो ईयर टू में जाएगा ना. और सर जो ईयर वन वाली लीव्स हैं उसका तो एक्सपेंस ईयर वन में हम बुक कर चुके, लायबिलिटी बुक कर चुके, दोबारा एक्सपेंस थोड़ी बुक करेंगे. तो क्या एंट्री करेंगे, ज़रा देखो, सैलरी एक्सपेंस 11 महीनों का हमने डेबिट कर दिया और एक महीने की हमने क्या डेबिट कर दी, जो लीव्स लायबिलिटी खड़ी हुई थी हमारी. ठीक है. और बैंक से हमारे पास पूरे के पूरे 12 महीने के पैसे निकल गए.
क्या ये बात समझ आती है? Yes, सबको क्लियर है बेटा? जबरदस्त। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड में एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितनी कैटेगरीज के एक्सप्लेन किए गए हैं IAS 19 के अंदर। IAS 19 के अंदर हमारे पास शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात भी होती है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपके पास, अच्छा आप लोग सबको नजर आ रहा है बोर्ड बेटा? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपके पास सैलरीज आ गई, बोनस आ गया, कंपनसेटेड लीव्स आ गई, अलाउंसेस आ गए, और अदर बेनिफिट्स जो भी मिलेंगे, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होगा, वो सब की सब चीजें आपके पास शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आ जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएंगी। और अगर इन बेनिफिट्स की कोई इंटाइटलमेंट अक्रू होती है और एम्प्लॉय को नहीं मिलती, तो एक महीने में मिल जाएगी, दो महीने में मिल जाएगी। ऐसा होता है ना, जून की सैलरी कब मिलती होती है? अगले साल जुलाई में मिलती होती है। तो हमने कहा, सर अगर ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं एंड इफ दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और सर ये महीने हैं 12, एंड सपोज हमारा साल चल रहा है जुलाई टू जून, तो हमने कहा सर अब ये वाला जो महीना है, ऐसा होता है कि इसकी सैलरी कब मिल रही हो? अगले साल। अगर सर इफ दिस इज फाइनेंशियल ईयर 23, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी सैलरी मिल रही हो फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ईयर एंड के ऊपर हम क्या करेंगे सर, इसका अक्रूवल बुक कर लेंगे। सर ये बातें तो हमें पता है, बहुत बेसिक बातें हैं ये। तो एडवांस कॉन्सेप्ट पे पहुंचने के लिए हम बेसिक बातें भी करते चलेंगे, माइंड नहीं करना आप लोग, ठीक है। अक्रूवल बुक करेंगे सर, अक्रूवल बुक करना हमें आता। बोनस, सर फाइनेंशियल ईयर 2023 में एम्प्लॉई ने काम किया, उसकी बोनस की एंटाइटलमेंट एस्टैब्लिश हो गई है, मिला नहीं है, क्या करेंगे? एक्सपेंस किस ईयर में बुक होगा बेटा? जिस ईयर का बोनस है, फाइनेंशियल ईयर 23 में अंदर बुक होगा। बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट। पे कब हो रहा होगा? अगले साल। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लीव्स के अंदर जो थोड़ी बहुत थी वो मैंने आपको समझा दी, वो भी आपके काम की नहीं है खास, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास टर्मिनेशन बेनिफिट्स। अच्छा, टर्मिनेशन बेनिफिट्स हम खास तौर पर किसको कहते होते हैं, स्टैंडर्ड के लिहाज से बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखो मैं मजे की बात तुमको बताऊं, अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, दीज टर्मिनोलॉजीज मे वेरी अ बिट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब हमारी कंट्री के अंदर कुछ और टर्मिनोलॉजीज यूज होती होंगी, बाहर कुछ और टर्मिनोलॉजीज यूज होती होंगी, तो इसमें ऐसा हो सकता है। मैं आपको जब एक्सप्लेन कर लूँगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जितनी बातें कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड के लिहाज से बातें कर रहा हूँ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जिन टर्मिनोलॉजीज को जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है इस वर्ड को? या तो बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉई अपॉन फोर्स्ड टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए भी लिखवा रहा हूँ कि ये भी किताब के अंदर नहीं नजर आएंगी, क्योंकि किताब के अंदर तो उसी एस्पेक्ट पे फोकस है जो आपका एग्जाम स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, लेकिन स्टैंडर्ड में ये वाली बातें भी की गई हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉई अपॉन फोर्स टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा वॉलेंट्री स्कीम ऑफ रिडंडेंसी ऑप्टेड बाय एम्प्लॉई। क्या मतलब है इसका?
अरे आप लोगों ने कभी देखा हो नहीं देखा हो, अभी रिसेंट पास्ट में ये हुआ था कि PIA ने एम्प्लॉई गोल्डन हैंडशेक स्कीम लॉन्च की थी। अच्छा अब उसमें क्या होता है, उसमें और आमतौर पर ऐसे सरकारी इदारों में आपको ये स्कीमें ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि वहाँ पर हरामखोरी ज़्यादा होती है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं है, सियासी भर्तियाँ होती हैं, नॉन प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, इसी तरह से सारे गवर्नमेंट इदारे ख़त्म हो गए ना, तो वहाँ पर होता किसमें बेटा KEC में भी, स्टील मिल के अंदर भी पहले हुआ था शायद ये। तो अब इसमें इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में होता ये है कि कंपनी अनाउंसेज ए स्कीम, कंपनी कहती है ठीक है हम एक स्कीम अनाउंस कर रहे हैं और आप खुशी खुशी इस स्कीम को अपना लें, जो खुद से अपनाना चाहता है, उसके बाद फिर हम खुद से फोर्स टर्मिनेशन करेंगे। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है कि जिसको अभी इस ग्रेड से इस ग्रेड तक के एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आप खुद की खुशी से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हैं तो जो आपकी सैलरी चल रही है उसका 10 times हम आपको दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी सैलरी चल रही है 1,00,000 रुपये, तो भाई आप 1,00,000 रुपये पकड़ो और अपने घर चले जाओ। ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ती है करने की, क्योंकि देखो एम्प्लॉई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है ना, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट, ऐसे कोई तुमको निकाल नहीं सकता, ठीक है। इफ़ यू आर अंडर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो लॉज एक्टिव हो जाते हैं, लेबर यूनियंस एक्टिव हो जाती हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि हमने 10, 15, 20, 25 लोगों को बाहर निकाल दिया, वो लोग कोर्ट में आके खड़े हो जाएंगे, बोले क्यों निकाल दिया हमको, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। आप बात समझ रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा इट्स नॉट दैट ईजी, तो होता क्या है, अच्छा कंपनी ने एक स्कीम दे दी कि भाई ठीक है आप लोग अपनी वॉलेंट्री खुद की खुशी से ये स्कीम अपना लो और सेपरेट हो जाओ। अच्छा फिर अगर आप सेपरेट नहीं होते हो, देन द कंपनी टेक सर्टन मेजर्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर कंपनी कहती है कि भाई ठीक है अब ये 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 एम्प्लॉई इसको हम कंपल्सरिली टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करेंगे तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि दिस इज़ समथिंग फोर्सफुली, या तो फोर्सफुली हो रही है, या अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑप्शन भी दे दिया तो कंपनी भी चाह यही रही है ना कि भाई वो जान छोड़कर जाए हमारी। तो स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से ये वाले बेनिफिट्स टर्मिनेशन बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। तो जो बेनिफिट्स उस स्कीम के तहत एम्प्लॉय को मिलते हैं उसको स्टैंडर्ड कहता है कि ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स है। क्या बात समझ आती है? अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा भाई रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है? सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हैं कि जब एम्प्लॉई की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है, 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद जब एम्प्लॉई रिटायर हो जाएगा अब उसको सर्टन बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा जरूरी, अब देखो लव्स क्या है, लव्स है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लेकिन हम इसे बेहतर तौर पर अगर हम कहें तो इसका होना चाहिए नाम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको ये बेनिफिट्स लेने के लिए रिटायर होना पड़े, ठीक है। मिसाल के तौर पर इफ एन एम्प्लॉय, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अगर कोई एम्प्लॉई है और उसकी कहीं और जॉब हो गई तो क्या वो रिटायर हो गया? नहीं सर, वो तो रेजिग्नेशन देगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाएगा। अच्छा तो सर क्या उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा? जी मिलेगा। क्या उसको ग्रेचुटी फंड मिलेगा? जी मिलेगा। तो सर ये फिर रिटायरमेंट बेनिफिट का अगर हम वर्ड फिक्स कर देते हैं ना इसके साथ, तो फिर हमारे दिमाग में ये याद आता है यार जब एम्प्लॉय रिटायर होगा ना तो इसको ये बेनिफिट मिलते होंगे। फिर वो एज फैक्टर के साथ हाँ, लेकिन ये है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। जब हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जितने भी फंड्स की ऑडिट्स करते हैं, हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यही सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ छोड़ के भी जा रहे होते हैं, किसी की दूसरी जगह जॉब हो गई वो छोड़ कर चला जाएगा, उसका जो प्रोविडेंट फंड है वो लेकर जाएगा,
उसकी दूसरी जगह जॉब हो गई है एंड ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी. अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब जब वो ग्रेचुटी लेकर जाएगा तो सर वो रिटायर तो नहीं हुआ बट ही इज स्टिल एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी एंड ही इज टेकिंग दैट अमाउंट अलॉन्ग. बेनिफिट है, एंटिटी ने देना है, एंटिटी का एक्सपेंस है, ठीक है. अच्छा, अब इस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ये क्लासिफाई हो जाता है दो ब्रॉड कैटेगरीज में. वन इज कॉल्ड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, द अदर इज कॉल्ड डिफाइंड बेनिफिट प्लान. ठीक है. अच्छा भाई, अब ये इन नामों के मतलब क्या है, इसकी बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूरा स्टैंडर्ड अब घूमेगा ही इन अल्फाज के गिर्द, तो कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा आपको. लेकिन कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि वाई दिस इज एन इशू ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड हमको पढ़ना पड़ रहा है. ऐसा क्या इशू हुआ सर? जिस तरह से हम सैलरी अग्रू कर रहे थे, ये भी अग्रू कर लेते. इस तरह से हम बोनस अग्रू कर लेते, कर रहे थे, ये भी अग्रू कर लेते. तो जरूरत पेश क्या आई कि आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ गया? मैं तो जरूरत पेश आई. क्यों पेश आएगी? बिकॉज रिकॉर्डिंग दीज बेनिफिट्स इज नॉट दैट इजी. सैलरी का बेनिफिट तो आपको पता है, ये अमाउंट है, अभी दो महीने में तीन महीने में पे हो जाना है. बोनस का ये अमाउंट है, ये दो महीने में तीन महीने में पे हो जाना है. खत्म हुई कहानी. यहां पर मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा, पहली बात सर, ये बेनिफिट अभी तो पे हो नहीं रहा. ये तो है रिटायरमेंट बेनिफिट, ये तो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि दिस विल बी सेटल्ड इन फ्यूचर. एट व्हाट टाइम? नोबडी नोज. 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद कब सेटल होगा? नोबडी नोज. सर कितना अमाउंट सेटल होगा ये भी नहीं पता आपको. कितना अमाउंट सेटल होगा ये भी नहीं पता आपको. थर्ड पॉइंट सर, वो जो अमाउंट सेटल होगा, डू वी हैव टू रिकॉर्ड एनी एक्सपेंस नाउ? क्योंकि वो अमाउंट तो फ्यूचर में सेटल होगा, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद. तो क्या हमको कोई एक्सपेंस आज रिकॉर्ड करना है? क्या हमको कोई लायबिलिटी आज रिकॉर्ड करनी है? अगर करनी है तो क्यों करनी है? बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी. ये सारे सवालों के जवाब के लिए ये है IAS 90. मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, कितना करना है, क्यों करना है, ये सब सवालों के जवाब के लिए है IAS 90. दुनिया सिर्फ सैलरी बोनस लीव के गिर्द नहीं घूमती, ठीक है. अच्छा भाई, अब आओ थोड़ा सा जरा किताब पर आते हैं और हम कुछ चीजें जो किताब में लिखी हुई है उसको जरा रीड करते जाते हैं. अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली यू शुड बी एबल टू डिस्कस and apply the accounting treatment of short-term and long-term employee benefits. अच्छा, ये long-term employee benefits में आ जाते हैं, obvious ही बात है. कौन से वाले? ये वाले खास तौर पर ये वाले. And define contribution and define benefit plan. अच्छा, ये सारे के सारे, अब ये देखो, ये वो objectives हैं जो जब आप chapter पढ़ लोगे, जब standard पढ़ लोगे तो ये आपको आने चाहिए. These are the objectives of your exams. Accounting for gains and losses on settlements and curtailments. हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, अभी ये मोटे मोटे अल्फाज नहीं समझ आएंगे तुमको अभी. Accounting for asset ceiling, test and reporting of actuarial gains or losses. अभी ये भी नहीं समझ आएगा, बाद में देखेंगे इसको. अच्छा, so this is a broad overview कि इस स्टैंडर्ड में हम लोगों के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, हम एग्जाम परस्पेक्टिव से किन मोटी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे. Employee benefits में सबसे important defined benefit plan and defined contribution pension plans, और फिर उसके जो gains और losses होंगे वो कहाँ कहाँ जा रहे होंगे, किस किस केस में वो अच्छा उसके gains OCI में कब जा रहे होंगे, उसके gains PNL में कब जा रहे होंगे, balance sheet में जो amount जा रही होंगी वो कहाँ जा रही होंगी, क्यों जा रही होंगी, ये सारी बातें हमको करनी होंगी. Pension plans. There are two broad types of pension plan. Defined contribution plan and defined
बेनिफिट प्लान्स जो नाम अभी हमने देख लिया. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दीज प्लान्स इज वेरी डिफरेंट. नंबर वन, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स. अच्छा, अब होगा ये कि जैसे आप लोग अब क्लासेस लोगे, अटेंड करोगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना जिसके ऊपर मैं ये नोटिंग कर रहा हूँ, ये तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है. अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी होंगी कि अब मैं हर एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ वो लिख तो नहीं रहा, जाहिर सी बात है, वो तो मैं आपको डिस्कशन के फ्लो में एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ. तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे. सो व्हेन यू टेक दिस वर्कबुक, तो हर वर्कबुक के हर पेज के अंदर ना ये नोट्स का सेक्शन होगा. सो ट्राई टू जॉट डाउन दोज पॉइंट्स इन द नोट सेक्शन. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. वरना होता क्या है, क्लास होगी ख़त्म, बंद होगी और आप भूल जाओगे. और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम हफ्ते में दो ही क्लासेस रखेंगे, सैटरडे एंड संडे. तो पहली इंस्टेंस में हम दो क्लासेस रखेंगे, फिर एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद जैसे आप लोग थोड़ा सा ज़रा वार्म अप हो जाओगे तो हम क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, सैटरडे संडे की क्लासेस का, ठीक होगी बात. और उसके बाद फिर जैसे ही आप लोग माशाल्लाह पढ़ाई से तो लगाओ आप लोगों का है ही बहुत ज़्यादा, आप लोग कहोगे कि सर एक क्लास और हो जाए तो फिर वीकडे के अंदर कोई हम एक क्लास और भी रख लेंगे, तो तीन हो जाएंगे वो क्लासेस, ठीक है. आप लोगों की कन्वीनियंस के साथ जिस डे आपको जो डे आपको सूट करता हो. तो बेहतर होगा कि इसमें नोट डाउन कर लो, एमर से आप लोग डिस्कस कर लेना, वो आप लोगों के लिए बुक्स अरेंज कर देगा, ठीक होगी बात. अच्छा, डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइन बेनिफिट प्लान. अच्छा, इसकी डेफिनेशन पर आने से पहले, बल्कि डेफिनेशन पर आ ही जाते हैं, और फिर ये डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दीज प्लान्स प्रैक्टिकली आर ऑपरेटेड इन द रियल लाइफ. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स आर वेयर द एंटिटी पेज. आई होप कि मैं ऑडिबल हूं और विजिबल हूं. अच्छा, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान्स आर वेयर द एंटिटी पेज फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू अ सेपरेट एंटिटी and has no legal or constructive obligation to make further contributions. Chal. अभी जो ये हमने पढ़ा इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान कौन से होते हैं, are where the entity pays fixed contribution. Entity एक fixed contribution into a separate entity. एक separate entity में डालती होगी. And has no legal or constructive obligation to make further contribution. अच्छा, इसको एक मिसाल से समझाता हूँ मैं आपको. Defined कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. अच्छा, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की बात जब स्टैंडर्ड करता है ना, तो स्टैंडर्ड के माइंडसेट में होता है कि दिस विल ऑलवेज बी अ फंड, दिस विल ऑलवेज बी अ फंड, क्योंकि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर इसका फंड ही बनता है. तो सर क्या पाकिस्तान में भी हर केस में फंड बनता है? हमने कहा नहीं, पाकिस्तान में हर केस में फंड नहीं बन रहा होता. तो सर ये फंड है क्या, फंड बनने में और ना बनने में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी आपके जहन में ये होना चाहिए कि वेन एवर स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट अ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि अलग फंड बना हुआ है, एक अलग एंटिटी बनी हुई है एक, ठीक है. ये है फंड, fund is a separate entity, this is a separate entity. ये यूं समझ लो जब हम छोटे हुआ करते थे, मुझे तो नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसे होता था कि नहीं, तो जब हम छोटे थे तो हमारी सेविंग्स होती थी छोटी छोटी सी, हर ईद जब भी आती थी तो रिश्तेदारों से ईद ही मिलती थी, वो पैसे भी हम जमा करते थे. अच्छा, हमारे अम्मा अब्बा ने ना बचपन से हमारे में सेविंग की आदत बड़ी डाली, तो ईद ही मिलती थी, फिर रिजल्ट आया, साल ख़त्म हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, तो फिर अम्मा अब्बा फिर कुछ
कैश में. अच्छा अब गिफ्ट भी हम लोग भी कैश में ही ले देते, अब कैश देते उनको, फिर वो कैश भी जमा कर लेते थे हम. फिर कुरान ख़त्म किया तो फिर उसके पैसे, हर साल ईद के पैसे जमा हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है उसके पैसे जमा हो रहे हैं, मिड टर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए उसके पैसे जमा हो रहे हैं. अच्छा पैसे तो जमा हो रहे हैं, अब होता क्या है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो अम्मी कहती हैं बेटा ये मेरे पास ही पैसे जमा करवा दो ना, आप मेरे पास पैसे जमा करवा दो, आपको जब चाहिए हो आप ले लेना. ठीक है, आप जमा कराते गए जमा कराते गए. मिसाल के तौर पर आपने ठीक ठाक पैसे जमा करा दिए, अब आप पहुंच गए 9 मैट्रिक में पहुंच गए, आपने कहा कि अब अच्छा सा एक फ़ोन लेते हैं. ठीक है, एक अच्छा सा 20-25-30 हज़ार का फ़ोन लेते हैं, इतने पैसे जमा हो गए होंगे. आप अम्मी के पास गए, अम्मी वो मेरे पैसे जो बचपन से आज तक आपके पास जमा हो रहे हैं वो ज़रा दे दें प्लीज़. अम्मी क्या कहेंगी, हराम खोर इसी दिन के लिए पाल पोस के तुझे बड़ा किया था, अब तो अपनी माँ से पैसे मांगेगा, तेरी पूरी ज़िंदगी में तुझ पर इतना खर्चा हुआ उसका हिसाब कौन देगा. ऐसा होता नहीं होता, अम्मा जज्बाती हो जाएंगी. तो वो क्या होंगे, वो पैसे अम्मा के पास गए और वो खर्च हो गए, जमा हुए और वो खर्च हो गए. अच्छा लेकिन हमारे साथ सीन कुछ डिफरेंट था. बचपन से अम्मी ने हमको एक सेफ दिया हुआ था, मुझे और मेरी बहन को, हमारे पास वी हैड अ सेफ. तो हम जो भी सेविंग होती थी मैं उस सेफ में जमा करता था, मेरी बहन के साथ पैसे मिक्स ना हो जाए, पता लगे वो सारे मेरे पैसे लेके चली गई. बचपन में होता है ना अलग अलग रखते हैं, तो अब वो सारे पैसे हम सेफ में जमा करते थे. अच्छा वो सेफ खुल नहीं सकता था, उसका एक कोड होता था वो राउंड सा, आज तक पड़ा हुआ है, तो वो खुल नहीं सकता था. तो वो जो मुझे कोड पता है तो मैं ही खोल सकता हूँ. तो जो हमारे पैसे जमा होते थे हमें पता होता था कि अब ये पैसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता. द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू दिस फंड. ठीक है, ये फंड क्या है, फंड क्या है देखना जरा. ये कंपनी है, ये कंपनी है. अच्छा मैं पहले तो तुम्हें बता रहा हूं कि फंड बनने की वजह क्या है. हर केस में फंड नहीं बनता. पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की एनवायरमेंट में बात करो तो जरूरी नहीं हर केस में फंड बन रहा होगा, लेकिन इंटरनेशनली ये जो स्टैंडर्ड है इट अज्यूम्स कि ये जो कंट्रीब्यूशन प्लान है या ये जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है या ये जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, ये प्लान इज अ फंड, इट अज्यूम्स. बट इन द एनवायरमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी केस. कंपनी है, अब कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला एम्प्लॉय को, ये कंपनी ने एक पॉलिसी रखी. कंपनी ने कहा कि भाई एम्प्लॉई से कहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड, अच्छा प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड ये होता है कि फर्ज कर लो सैलरी है एम्प्लॉई की, एम्प्लॉई की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, सही है. तो प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म आम तौर पर ये होता है, द परसेंटेज कुड बी हायर एज वेल, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 99% केसेस में जो आपको नजर आएगा वो ये आएगा कि प्रोविडेंट फंड के केस में, अच्छा है क्या प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इज अ बेनिफिट, ऑब्वियसली बेनिफिट है. अभी बेनिफिट कैसे है ये आप खुद समझ जाओगे. अभी कंपनी कहती है कि ए मेरे प्यारे एम्प्लॉई, एम्प्लॉई वन, ये तो तुझे सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपए पर मंथ, अगर तू इस 1 लाख रुपए का 10%, जो कि कितना हुआ 10,000 पर मंथ, अगर तू 10,000 पर मंथ यानी जो भी तेरी सैलरी है उसका 10% इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू दिस फंड, वॉट वी विल डू, वी विल ऑल्सो मैच योर कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 10,000. तो 10,000 पर मंथ सर, ये एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ईईसी मतलब एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, और 10,000 पर मंथ क्या हो गया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब कि हर गुजरते महीने के साथ इस एम्प्लॉई के कितने पैसे जमा होते हैं इस फंड में, 20,000. 20,000.
अगर एम्प्लॉई इस फंड के लिए ऑप्ट ना करे, नहीं मैं तो नहीं डालना पैसे, तो क्या एम्प्लॉयर डालेगा? नहीं डालेगा। अगर आपसे एम्प्लॉयर कहता कि आप इस फंड में 10,000 डालो, मैं भी 10,000 डालूंगा आपके नाम पे, क्या आप ऑप्ट करोगे? डेफिनेटली ऑप्ट करेंगे सर, ये तो कोई पागल ही होगा जो ऑप्ट नहीं करेगा। 10,000 रुपये मुफ्त के मिल रहे हैं, हम क्यों छोड़ेंगे? ये यूं समझ लो ना, एक कमेटी डल रही है ना यार। अच्छा भाई, अब सर ये डलती रहेगी? हाँ डलती रहेगी। साल के कितने में बताओ? हमने कहा सर 20,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 12 करो ना, कितने हुए सर? 240,000। यानी एक साल के बाद आपके कितने पैसे जमा हो जाएंगे इस फंड में? अच्छा, ना सिर्फ ये पैसे जमा होंगे आपके इस फंड में, बल्कि इस फंड के अंदर जो ये पैसे जमा हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी हो रहे होंगे। इसके यूं समझ लो कि इसके सर्टिफिकेट्स ले लिए, TDR ले लिए। TDR समझते हो ना, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, बैंक के सूदी सर्टिफिकेट ले लिए, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, अब वो सूदी सर्टिफिकेट ले लिए तो सर इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी आ रही है फिर। तो हमने कहा सर अब इसका मतलब कि साल के आखिर में ये सिर्फ 240 नहीं होंगे, इसके ऊपर प्लस सम इनकम भी तो आती होगी ना। और अज्यूम करो 20,000 की इनकम भी आ गई, तो अब इस एम्प्लॉई के नाम पे कितने पैसे जमा हुए? 2,60,000। मिसाल के तौर पर एक साल बाद ये एम्प्लॉई छोड़कर चले जाता है, व्हाट विल हैपन? ही विल टेक अलोंग 260,000 विद हिम। सिंपल, सिंपल एज इजी एज दैट। अगर ये फंड ना होता, अगर ये फंड ना होता, कंपनी कहती तुमको सैलरी दे रहे, तुम 10% हमारे पास ही रहने दो, और यूं समझो हम तुम्हें उसको 10% मैच भी करके देंगे। अब वो कंपनी के पास ही पड़े थे, तो क्या ख्याल है वो कंपनी के इस्तेमाल में आ सकते थे? दोबारा बताता हूँ, अभी ये पैसे एक अलग से फंड में चले गए, एक अलग डब्बा बना हुआ है, एक अलग बैंक अकाउंट बना हुआ है। ये फंड इज अ सेपरेट एंटिटी, दिस फंड इज अ सेपरेट एंटिटी, ये एक अलग एंटिटी है। अब ये पैसे इस एंटिटी में चले गए, तो क्या आप कंपनी इसमें से वापस निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती, ये एक अलग सेफ है, ये एक अलग डब्बा है। अगर ये पैसे अलग फंड में नहीं जा रहे होते और वो पैसे कंपनी अपने पास ही रखती होती, तो क्या वो इस्तेमाल कर सकती थी? जैसे मैं आपको एग्जांपल दी ना, अम्मी के पास आप पैसे जमा कराते रहे, अम्मी ने इस्तेमाल कर लिए। कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट तो यूज़ कर सकती थी, लेकिन हु विल चेक एंड बैलेंस कि ये कंपनी का ही बैंक अकाउंट है, उस पर कंपनी की ही सिग्नेटरीज हैं, कंपनी की अथॉरिटीज उस पर सिग्नेचर करती हैं, कंपनी के अंडर ही वो मेंटेन हो रहा है। तो जब कंपनी मिसाल के तौर पर बैंकक्रप्ट हो गई तो होगा क्या? कंपनी के सारे एसेट्स हो, अब होता ये है इसके अंदर कि ये जो फंड है इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करते हैं ट्रस्टीज। दिस फंड इज क्रिएटेड अंडर ट्रस्ट एक्ट। जी बेटा बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। ट्रस्ट एक्ट के तहत ही बनता है फंड, और इसके होते हैं ट्रस्टीज। मैनेज बाय, अब आप जब देखोगे कि ट्रस्टीज कौन है, तो एक CFO ट्रस्टी होगा, एक डायरेक्टर मार्केटिंग हो सकता है ट्रस्टी हो, दो तीन बड़े बड़े बाबे डायरेक्टर लोग इसके ट्रस्टी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब कभी कंपनी बैंकक्रप्ट होगी, जब कभी कंपनी लिक्विडेट होगी, तो कंपनी के जो एसेट्स क्रेडिटर्स में डिवाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या उसमें इस फंड के एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं होंगे। दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नंबर वन। नंबर टू, इवन दो इट इज मैनेज बाय दोज ट्रस्टीज हु आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के ही कारिंदे हैं ना इसके ट्रस्टीज, कौन है? कंपनी के कारिंदे। इस फंड का हर साल ऑडिट होता है, वी पीपल ऑडिट दिस फंड, ठीक है? और हम जब इस फंड का ऑडिट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर से जो पेमेंट हुई है वो एम्प्लॉइज को हुई है, ठीक हुई है, कम तो नहीं हुई, ज्यादा तो नहीं हो गई है, कहीं और तो पैसे नहीं चले गए। वी गिव ऑडिट रिपोर्ट ऑन दिस फंड, दिस फंड इज ऑडिटेड एज वेल, ठीक है? सो देयर आर रेगुलेशंस, दिस इज अ सेफ मैकेनिज्म, जो फंड वाला मैकेनिज्म है दिस इज अ सेफ मैकेनिज्म, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मैंने आपको पूरी स्कीम बताई,
ये पूरा प्लान कहलाता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, जिसको अब मैं आम तौर पर प्यार से डीसीपी कहूंगा. डीसीपी, दिस इज क्या कहलाता है, ये डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, डीसीपी. सर क्यों, अब जरा एक्सप्लेन करें. कंपनी ने वादा क्या किया है एम्प्लॉई से, जरा देखो. कंपनी ने कहा भाई तू 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में डाल, आई विल मैच दैट कॉन्ट्रीब्यूशन. सिंपल, ये मेरा वादा है. अभी हमने देखा था ना PSL होता था, एक छक्का मारो तो 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, एक विकेट गिरेगी तो 1,00,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. कंपनीज ने कहा हुआ था, कोई पेप्सी कर रही है कभी, कोई कौन सी कंपनी कर रही. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कह रहा है आप 10,000 रुपीज इस फंड में डालो, हर महीने 10,000 हम डालेंगे. इट्स बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैलरी, यानी 10% सैलरी आप फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करो तो हम भी 10% सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आपके नाम पर, वो पैसे आपके होंगे. ठीक है. अच्छा, तो इस फंड में से पैसे निकलेंगे कब, जब इम्प्लॉई छोड़कर जाता है, नॉट नेसेसरीली रिटायरमेंट. मैंने इसीलिए बोला कि रिटायरमेंट से बंदा कन्फ्यूज होता है. अगर आप 2 साल बाद एम्प्लॉई रिजाइन करके चले जाते हैं तो क्या ये पैसे मिलेंगे उसको? रिजाइन के बगैर भी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, रिजाइन के बगैर मिल सकते हैं. इसके इनकम टैक्स रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर इसकी गाइडलाइंस हैं, कब मिल सकते कब नहीं मिल सकते. ठीक है, वो एक अलग मैटर है पूरा. उसकी विड्रॉवल होती है, टेम्पररी विड्रॉवल भी होती है, परमानेंट विड्रॉवल भी होती है, लेकिन अभी उस डिटेल में जाके मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा. ठीक है, अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. सर वाई? बिकॉज कंपनी हैज प्रोमिस्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टन अमाउंट, दैट्स इट. बियॉन्ड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज नो लाइबिलिटी. कंपनी कहती है इतनी ही मेरी लाइबिलिटी है कि तेरे अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन को मैं मैच कर दूंगी, इससे ज्यादा अब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है. एक मिनट बेटा, अगर आप मुझे दें, मैं एक कॉल रिसीव कर लूं. अस्सलाम वालेकुम. जी जी बेटा, मैं आऊँगा तकरीबन 2:30 बजे लेने के लिए. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. अच्छा भाई, तो एज द नेम सजेस्ट, देखो रट्टा तो है नहीं कुछ, दिस सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, जब आप आंसर को ड्राफ्ट करोगे ना, तो आपको आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ दिमाग में आपके मटेरियल होना चाहिए. ठीक है, डेफिनेशंस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द एग्जाम क्वेश्चंस. ठीक है, और रट्टा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है. व्हेन यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल प्रैक्टिस, यू विल ऑटोमेटिकली बी इन द फ्लो टू ड्राफ्ट द आंसर्स. तो अब जो मैं बता रहा हूँ उन अल्फाज पे गौर करो ताकि याद करना और रखना आसान हो जाए. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, नाम से याद रखो. सर इस प्लान के अंदर या इस स्कीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी डिफाइंड. व्हाट विल बी डिफाइंड? कॉन्ट्रीब्यूशन. एंटिटी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर लेगी, एंटिटी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कर लेगी. एंटिटी बोलेगी दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, आई हैव प्रोमिस्ड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आई हैव मेड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नाउ आई हैव नो अदर ऑब्लिगेशन बियॉन्ड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू पे टू यू. अब ये पैसे इस फंड में कम बढ़े, इनकम 20,000 की ना हो, इनकम 2,000 की हो, हमारी बला से. इनकम ना हो, हमारी बला से. इससे कम हो जाए, सर क्या इससे कम हो सकते हैं? आमतौर पर देयर आर लॉज विच प्रोटेक्ट कि ये अमाउंट इससे कम ना हो. लॉ मना करता है कि इन पैसों को आप शेयर्स में इन्वेस्ट ना करो. ठीक है, क्योंकि शेयर्स में ये पैसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. देयर आर रेगुलेशंस, देयर आर लॉज. अब वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो पाकिस्तान से रिलेटेड. तो आम तौर पर इससे कम नहीं होता. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन से कम नहीं होता. हाँ, ये तो हो सकता है कि इनकम के अंदर ही लॉस हो, ये तो वी हैव विटनेस्ड आवरसेल्फ.
कि एक साल इनकम हुई 20 लाख रुपए की, अगले साल लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, तो अब वो जो 10 लाख का लॉस हो गया वो इनकम से ही नेट ऑफ होगा. यानी इट इज़ नॉट डैमेजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, इट इज़ नॉट हर्टिंग द प्रिंसिपल अमाउंट. इस अमाउंट को वो हर्ट नहीं कर रहा. किस अमाउंट को? इस अमाउंट को वो हर्ट नहीं करेगा. इस अमाउंट को वो हर्ट नहीं करेगा. वो हर्ट करेगा तो करेगा भी तो किसको करेगा? वो इसको करेगा. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस विच द कंपनी हैज पेड इनटू द फंड, इनटू द प्लान. दैट्स इट. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. अच्छा, इस पूरे स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि हमें वो अकाउंटिंग करनी आ जाए जो एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग हमें आ जाए. तो ज़रा अब मुझे बताओ कि एम्प्लॉयर क्या अकाउंटिंग करेगा इसके अंदर? क्या इसकी अकाउंटिंग कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, कोई मुश्किल है? दैट्स इट, सिंपल. मिसाल के तौर पर इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है. जैसे कि सर ये तो एक एम्प्लॉय की सैलरी थी ना 1 लाख रुपये पर मंथ, 100 की कितनी होगी? हमने कहा सर 100 की तो ज़्यादा होगी. अब सर ये एम्प्लॉई कंपनी का एक थोड़ी होगा, ऑल एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी होगी? हमने कहा सर टोटल पेरोल, मिसाल के तौर पर टोटल पेरोल है 25 मिलियन का, 2.5 करोड़ का. तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस 2.5 करोड़ का 10% हर महीने किस में डालेगी? फंड. यानी कि जब जब पेरोल प्रोसेस होगा तब तब ये अमाउंट फंड में जाएगा. तो उसूलन ये साल के 12 महीने फंड में जा रहा होगा. तो हमने कहा सर 25 मिलियन का 10% कितना हुआ? 2.5 मिलियन. ये एक महीने का एक्सपेंस है कंपनी का. इसका मतलब कि सर ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंस नहीं है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपेंस. क्या ख्याल है? 25 लाख रुपए तो एक महीने के अंदर कंपनी डाल रही है. अच्छा, कंपनी 25 लाख डालेगी और एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी में से 10-10% काट के किसमें डाल रहे होंगे? फंड डाल रहे होंगे. सही है. अच्छा, मैं अगर ये सोचूं कि अगर ये एम्प्लॉई है उसकी सैलरी 1 लाख रुपए और इसके 10% कट के कहाँ जाने हैं? फंड्स में जाने हैं. तो एंट्री क्या बनाती होगी कंपनी, जरा बताओ? एंट्री भी हमें क्लियर हो ना, ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. डेबिट, क्रेडिट. कंपनी का एक्सपेंस कितना होगा? अभी एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से 1 लाख. वेरी गुड, 1 लाख. सॉरी, बिल्कुल ठीक बेटा. सैलरी एक्सपेंस कितना? पूरा के पूरा 1 लाख. क्रेडिट क्या होगा बोलो? अभी मैं पेबल की एंट्री बनाता हूँ ताकि क्लैरिटी हो. जरा पेबल टू एम्प्लॉई, $90,000. पेबल टू क्या? एंट्री सबको क्लियर है? एक और एंट्री बनेगी पूरे महीने के आखिर में, जब एम्प्लॉयर अपनी जेब से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? मैच करेगा. महीने के आखिर में क्या एंट्री बनेगी, जरा सोचना. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू DCP इस, अगर मैं एक एम्प्लॉय की एंट्री बनाऊं payable to DCP कितनी?
क्या एंट्री सबको समझ आती है? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सबको? वेरी गुड, जबरदस्त। इसका मतलब कि सर ईयर एंड पर ये तो एम्प्लॉई की सैलरी से कट रहा है ना, देखो एम्प्लॉई की सैलरी थी 100,000, मैंने उसकी सैलरी में से काट लिया। अब काट तो लिया है तो मेरा सैलरी एक्सपेंस 100,000, लेकिन अब मैंने ये काट कर पे किधर करना है? डीसीपी में। लेकिन ये कौन सा अमाउंट है जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं इधर लिख भी रहा हूँ ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो। और ये क्या है? क्लियर है? चलो, इसका मतलब सर बड़ा सिंपल है। क्या कि डिफाइंड, अजान की आवाज आ रही है, अजान खत्म हो जाती है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है और फिर हम देखते हैं जरा इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मैं देखूं कि ईयर एंड के ऊपर एज एट ईयर एंड, क्या ये मैं कह सकता हूं जो मैं लिख रहा हूं? जरा मुझे बताओ क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? The amount of employer contribution due to the fund will be recognized as liability in the books of employer. क्या मैंने ठीक लिखा है? गुड, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसको पढ़ भी लेते हैं। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान आर वेयर द एंटिटी पेज फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इनटू अ सेपरेट एंटिटी एंड हैज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक further contributions. बस लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी। ये लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अल्फाज कहां से उठ के आए, किसी को पता है कोई बात? आईएस 37 से उठ के आए अल्फाज, और आईएस 37 में भी कहां से? ये अल्फाज उठकर आए हैं आपके पास प्रोविजन से। अच्छा भाई, तो सर आईएस 37 के हिसाब से प्रोविजन का बुक होता है। अच्छा, आईएस 37 में और भी डिस्कशंस हैं, तो जब आईएस 37 देखेंगे तो वो वाली डिस्कशन तब देख लेंगे। अभी जो उधर से रेलेवेंट बात है वो पिक करते हैं और अपनी आईएस 19 की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आईएस 37 में प्रोविजन का क्राइटेरिया है क्या? हमने कल लिखा भी था, ये रहा। आईएस 37 कहता है कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड होगा? जब होगी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी। अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के ऊपर भी डिस्कशन इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोग पढ़ के आए हैं इसलिए आपको पता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि मैंने उसको सेटल करना है, मेरी आज लायबिलिटी है, ठीक है, बस इतना काफी है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, किसी पास्ट इवेंट के नतीजे में, इसका मतलब कि सर कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया होगा। अच्छा, कम इन टू दिस केस, वॉट इज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट? इस केस में डीसीपी के केस में, डीसीपी के केस में ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है आप बताते हो बेटा? कि हमने जो एम्प्लॉय को कहा था कि आप ना 10% दोगे तो हम 10%। वो बात भी ठीक है आपकी, लेकिन एम्प्लॉय का सर्विस देना, इसके बाद ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया। बिकॉज हर पासिंग मंथ वेयर द एम्प्लॉय इज गिविंग सर्विसेज, मतलब अगर एम्प्लॉय सर्विसेज ना दे, मैंने एम्प्लॉय को बोला ठीक है हर महीने मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन एम्प्लॉय ने उस महीने सर्विस ही नहीं दी, ठीक है, तो क्या एम्प्लॉय ने सर्विस दे दी? दे दी।
क्या अब कॉन्ट्रीब्यूट करना मेरी जिम्मेदारी बन गई है? बन गई है. लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इसमें फर्क क्या होता है? देखो, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे आईएस 17 में, लेकिन अभी हम क्विकली जरा रिकैप करते हैं. लीगल, या तो ये हो सकता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, या ये बाय लॉ हो, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो. हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लिख के दे दिया कि भाई ये जिम्मेदारी है हमारी, हम लायबल है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, या बाय लॉ हो. लीगल और कंस्ट्रक्टिव. अच्छा, और ये बात हो गई. अच्छा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को कहते हैं कि जिसमें हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लॉ भी हमारे सर पे हथौड़ा और डंडा मार के नहीं कह रहा तू नहीं पैसे देने. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इसका मतलब क्या है? थ्रू पास्ट प्रैक्टिसेस, और यह यूं कहा जाए थ्रू एस्टेब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिसेस, और अनाउंस्ड पॉलिसीज, एंटिटी हैज क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन of providing the amount, settling the amount, settling the obligation, providing the amount, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, बल्कि हम एक और काम भी कर सकते हैं कि we can also refer this IS 37 के अंदर relevant चीज़ हम refer भी कर सकते हैं. ठीक है बेटा, 191. ये देखो, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, देयर इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. प्रोबेबल, अच्छा, द ऑब्लिगेशन कैन बी अ लीगल ऑब्लिगेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, लॉ और लेजिस्लेशन, और अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन व्हेन एन एंटिटीज पास्ट प्रैक्टिसेस और पब्लिश्ड पॉलिसीज create an expectation that it will discharge certain responsibilities. ठीक है, तो अच्छा है कि हम इन चीज़ों को बार बार रीड करें, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो तुमको बार बार लिखनी पड़ेगी, एग्जाम में भी लिखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में भी लिखनी पड़ेगी. ये चीज़ ऐसी है जो आपके जहन में होनी चाहिए, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए. ठीक, मैंने कहा ज़बरदस्त हो गई बात से, अब आ जाएँ वापस से. पेज क्या था हमारा? 151 था शायद. ठीक है, अच्छा, नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. तो ना तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, ना तो कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है. हमने कोई ऐसी बात नहीं करी कि हम तुमको मजीद पैसे देंगे, हमने कोई ऐसी बात नहीं करी कि हम कोई एडिशनल पैसे देंगे, या ये इनकम इतनी तो हम तुमको ऊपर इनकम देंगे ही देंगे जब तुम जाओगे छोड़ के. तो जब तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारे जो पैसे फंड में बनते हैं, जो निकलते हैं, वो तुमको मिल जाएगा. अल्लाह का शुक्र अदा करो और हमारी जान छोड़ो. ठीक है, सिंपल, जो भी बनेंगे पैसे आपका. तो हमने कोई ऐसी इस्टेब्लिश प्रैक्टिस से, कोई ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट से, ऐसी कोई ना बात करी है, ना हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है. दिस इज कॉल्ड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. अच्छा भाई, जरा इस एग्जाम्पल को देखो. आई होप यू कैन रीड दिस. An entity pays fixed contribution of 5% of employee salaries into a pension plan each month. The entity has no obligation outside of its fixed contribution. The lack of any obligation to contribute further assets into the fund means that this is a defined
कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. तो क्या ये सबको क्लियर है? बिल्कुल. ये भी पढ़ लो जरा जल्दी से, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, और इसको रीड कर लेते हैं. डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की अकाउंटिंग कैसे होगी? ये कट क्यों रहा है? अब सही. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की अकाउंटिंग कैसे होगी? एंटिटी शुड चार्ज एग्रीड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट और लॉस. सर इसका डेबिट साइड पीएनएल में जाएगा एज एन एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस इन ईच पीरियड. मैंने आपको बताया वैसे हर महीने जा रहा होता है, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में ईयर इज द अकाउंटिंग पीरियड. तो यानी कि जिस ईयर का वो एक्सपेंस है वो उस ईयर के अंदर पीएनएल में चार्ज हो जाएगा. एक्सपेंस ऑफ प्रोवाइडिंग पेंशन इन द पीरियड इज ऑफन द सेम एज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेड. और बड़ा सिंपल है और क्लियर है ना, ये हमने कॉन्ट्रीब्यूट करना है और ये हमने फंड में पैसे डालना है. सिंपल. तो जो हमारा एक्सपेंस है वही हमारी पेमेंट हो जाती है. हाउएवर एन अक्रूवल और प्री पेमेंट अराइजेज इफ द कैश पेड डज नॉट इक्वल द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ड्यू फॉर द पीरियड. हाँ सर, लेकिन अगर पूरे साल में हमने फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करना था 75 लाख और हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 70 लाख. कंपनी ऐसा करती हैं, मिसाल के तौर पर कभी कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है 5.25 लाख, कभी कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है 4.25 लाख, कभी कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है 5.5 लाख. तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी कहती है यार हम हर महीने 5.5 लाख रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में डालते रहेंगे. ठीक है, 12 महीने के कितने हो गए, 60 लाख हो गए, 60 लाख डाल दिए. साल खत्म हुआ तो हमें पता लगा भाई 60 नहीं डालने थे आपने, आपने तो डालने थे 62 लाख. तो जो 2 लाख नहीं डाले वो लायबिलिटी में बुक हो जाएंगे, खत्म हो गई बात. सिंपल इज ईजी इज दैट. ठीक है, क्या क्लियर होती बात? अगर ये बात इतनी ही क्लियर है तो जरा ये देख लो जल्दी से. सब लोग ये एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं और जरा मुझे बताएंगे कि क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, जरा मुझे जल्दी से बताओ. सब कैलकुलेट करें बेटा जल्दी से, खुद सोचें, दिमाग लगाएं. अच्छा, इस बुक में जितनी भी एग्जांपल्स होंगी ना उनके सॉल्यूशंस भी इस बुक में दिए हुए, लेकिन हम सॉल्यूशन तो हम खुद करेंगे ना, वो आपके रेफरेंस के लिए इसमें गिवन भी हैं सारे सॉल्यूशन. देख लेते हैं बेटा अभी. सबने कर लिए? चलो अब हम पढ़ते हैं इसको. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम. रोपर मेक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन फंड ऑफ एम्प्लॉइज एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ देयर ग्रॉस सैलरीज. फॉर द कन्वीनियंस एंटिटी पेज $50,000 पर मंथ इन टू द पेंशन स्कीम विथ एनी बैलेंस बींग पेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर. द वेजेस एंड सैलरीज For 2006 are $7 million. तो हमने कहा सर अगर $7 million सैलरीज और वेजेस है और उसका रेट कितना है सर? डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सर 10% पर होगा. तो हमने कहा सर ये तो बनता है $7 लाख. तो होना क्या चाहिए था सर? होना ये चाहिए था कि हमारी एंट्री बुक होती, क्या एंट्री बुक होती बोलो, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान एक्सपेंस डेबिट हो जाता कितने से? और पेबल सर ये लायबिलिटी क्रेडिट होती 7 लाख से. पे कर कितने दिए? तो हमने कहा सर पे हो चुका है
contribution payable debit सर पे किया है 6 लाख लाइबिलिटी बनती कितनी थी 7 लाख बैलेंस शीट में ईयर एंड पे कितनी आ रही होगी लाइबिलिटी 1 लाख की सर 7 लाख में से 6 लाख की लाइबिलिटी तो रिवर्स हो गई पेमेंट के अगेंस्ट वो तो पे हो गई बची कितनी $1,00,000 की लाइबिलिटी जो कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर बैलेंस शीट पर नजर आ रही होगी क्या डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की सारी बातें हमें समझ आ चुकी हैं तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और डिफाइंड बेनिफिट प्लान को देखते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था अच्छा अब देखो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की डेफिनेशन कितनी आसान है डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज द वन विच इज नॉट अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऐसी डेफिनेशन हमारे टैक्स लॉ के अंदर है प्राइवेट कंपनी की What is a private company? Which is not a public company. बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है बच्चे बड़े इन्जॉय करते हैं बोलते हैं सर ये डेफिनेशन हम याद कर लेंगे बाकी कुछ ना कहें आप एक अच्छा भाई ये भी तुम्हारी मेहरबानी है याद कर लोगे अच्छा तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज द वन विच इज नॉट अ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान प्यारी बात हो गई इसका मतलब कि सर ये जो बातें थी कि अब डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की डेफिनेशन को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करते हैं इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें है अगर वो ना हो तो क्या बन जाएगा ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान वेयर द एंटिटी पेज फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू सेपरेट एंटिटी हमने कहा सर अब कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होंगे इसके अंदर एंड हैज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमने कहा अब लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी टू मेक ठीक है आओ अगर कुछ और अंग्रेजी लिखी हुई है तो वही पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ठीक है तो पहले मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद इसको पढ़ेंगे मैंने कहा अब हम देखते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान प्रॉमिस क्या किया है कंपनी ने यहां पर बेनिफिट प्रॉमिस कर लिया है कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉमिस नहीं किया है क्या प्रॉमिस कर लिया है बेनिफिट अच्छा गो के ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट से लेकिन इससे आप पिक फॉरन कर लोगे मिसाल के तौर पर आपके अब्बा ने आपसे वादा किया क्या वादा किया बेटा ACCA पास कर लो तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा ऐसा वादा तो नहीं करेंगे आपके अम्मा अब्बा मुझे पता है कोई भी नहीं करेगा वो तो बोलेंगे भाई क्वालिफाई करिए आप तू कमा के खिला हमें अच्छा 20 लाख दूंगा और जब आप ACCA कर रहे थे तो आपने बोला यार 20 लाख में कोरोला आ जाएगी तो 20 लाख अब्बा से 20 लाख एग्री करवा लेते हैं तो जब क्वालिफाई करेंगे 20 लाख लेंगे कोरोला खरीद लेंगे तो आपने दोस्त से मशवरा किया अकलमंद दोस्त था उसने बोला भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है डॉलर वॉलर पता नहीं कहाँ जा रहा है ये गाड़ी 20 लाख की नहीं रहेगी जब तू ACCA क्वालिफाई करेगा तो ये गाड़ी तो बहुत महंगी हो जाएगी अब्बा से ये प्रॉमिस ना ले कि 20 लाख देंगे वो तेरी क्वालिफिकेशन पे अब्बा से ये प्रॉमिस ले ले कि वो कोरोला दिला के देंगे ठीक है अब्बा से ये प्रॉमिस ले लिया अब क्या होगा सर अब अब्बा ने कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉमिस नहीं किया उन्होंने क्या प्रॉमिस कर ली गाड़ी बेनिफिट अब वो गाड़ी 25 की होगी तो भी दिलानी पड़ेगी 30 की होगी तो भी अब्बा को दिलानी पड़ेगी 35 की होगी तो भी दिलानी पड़ेगी यानी कि अब अमाउंट फिक्स नहीं हो रही अब आपने कर लिया प्रॉमिस बेनिफिट का अब जब आपने बेनिफिट का प्रॉमिस कर लिया अब आप मर गए अब हमने बोला सर इन्फ्लेशन बढ़ जाए उसका भी रिस्क किसके ऊपर है अब्बा के ऊपर है
डॉलर बढ़ जाए उसका भी रिस्क किसके ऊपर है? अब्बा के ऊपर है। अब्बा थप्पड़ मार के बोलेंगे अबे भाई जल्दी क्वालिफाई कर, इतना टाइम लगा क्यों रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, पता लगे अब्बा ने वादा ही कैंसिल कर दिया, लगा भाई इतना टाइम नहीं लगाना था, ज़्यादा लगा दिया तुमने टाइम। तो ये मैंने आपको यूँ समझ लो कि इन अ नटशेल इसकी मैंने आपको वो बता दी, क्या नब्ज बता दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाउ दिस इज लिंक्ड टू द एम्प्लॉई बेनिफिट्स किस तरह से, आओ देखते हैं। ये फंड है, यहाँ भी फंड है, ये कंपनी है। और सर अब ये जो फंड है ना, ये डिफाइंड बेनिफिट फंड है। अब ये डिफाइंड बेनिफिट फंड है तो इसमें देखो कंपनी ने क्या पॉलिसी रखी। नाउ देयर कुड बी मल्टीपल पॉलिसी, एनी सच पॉलिसी। ये तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, दो एग्जांपल दूंगा। इट कुड बी एनी पॉलिसी। आपको तो पॉलिसी पे टेस्ट अप्लाई करना है बस। कितने बच्चों ने साइंस से इंटर किया? हाँ, करते थे ना, टेस्ट अप्लाई करते थे ना सर, लिटमस पेपर टेस्ट करते थे, एसिड है के बेस है, लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हाँ, एलिमेंट डिटेक्शन के टेस्ट करते थे ना, यल्ला नेट चल रहा है ना, एलिमेंट डिटेक्शन के टेस्ट करते थे कि भाई कौन सा एलिमेंट है, टेस्ट करेंगे पता चल जाएगा। अब भाई हमें तो कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया पता चलना चाहिए। अब पॉलिसी कुछ भी हो जाए, एग्जामिनर ने एग्जाम में कोई भी स्कीम बना के दे दी हो, आप टेस्ट अप्लाई करोगे, आने वाला अगर टेस्ट फुलफिल हो गया है तो डिफाइंड बेनिफिट है, नहीं हुआ है तो डिफाइंड। ठीक है, दोनों का टेस्ट आपको पता है। अब वो लफाज ही कुछ भी लिख के दे दे एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा कि भाई ए मेरे प्यारे एम्प्लॉई, हम आपको अच्छा, और इसके रूल्स भी कंपनी खुद ही बनाती है, इसकी पॉलिसी भी कंपनी खुद ही बना रही होती है। कंपनी ने एम्प्लॉय को कहा कि ए एम्प्लॉई, ए मेरे एम्प्लॉई, अगर तुझे 5 years ऑफ सर्विस हो गए, आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस यू विल बी eligible for gratuity. Gratuity को word निकला है from the word gratuitous. किसे निकला? Gratuitous. और gratuitous का मतलब क्या होता है? Voluntary. क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है voluntary, खुद की खुशी से, कोई law की obligation नहीं है, कोई law की obligation। कंपनी ने खुद बोला ठीक है भाई मैं आपको ये बेनिफिट दे रही हूँ, हम अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे? हम उसको ग्रेचुटी देंगे। कितने साल बाद देंगे? 5 साल। आपके 5 साल ऑफ सर्विस पूरे हो गए, अब आप जब भी छोड़ के जाओगे आपको क्या मिलेगी? ग्रेचुटी मिलेगी। ज़बरदस्त। तो सर ग्रेचुटी में होगा क्या? हमने कहा ग्रेचुटी में होगा ये एक होगी अमाउंट, ये क्या होगी? अमाउंट। और ये अमाउंट बेस करेगी ऑन योर लास्ट सैलरी। ये किस पे बेस करेगी? लास्ट सैलरी पे। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? मिसाल के तौर पर कंपनी ने बोला जो भी तुम्हारी लास्ट सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस से। अच्छा, इतना भी कह सकती है कंपनी? मैंने बोला ना आपको कंपनी की मुख्तलिफ पॉलिसीज हो सकती हैं। कंपनी ये भी कह सकती है जो भी तुम्हारी लास्ट सैलरी होगी उसको तो मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और उसको मल्टीप्लाई कर दो 60% से। कंपनी ये भी बोल सकती है। अच्छा, लेकिन अगर कंपनी ने ऐसी कोई बात बोल दी, कंपनी ने, तो अब होगा क्या? सर अब होगा ये कि कंपनी ने एक
बेनिफिट प्रॉमिस कर लिया। कैसे सर? क्या बेनिफिट कैसे प्रॉमिस कर लिया? ऐसे प्रॉमिस कर लिया क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं है जब ये छोड़ कर जाएगा इसकी लास्ट सैलरी क्या होगी। कंपनी को तो ये भी नहीं पता है कितने साल बाद छोड़ के जाएगा। आज उसकी लास्ट सैलरी है, आज उसकी सैलरी है 50,000। जब ये छोड़कर, आई हैव सीन एम्प्लॉइज जो कंपनी में आए थे और उनकी सैलरी थी 20,000 और मेरे सामने उनकी सैलरी पहुंच चुकी थी 10,00,000। मतलब वो मेरे सामने नहीं आए थे, आए बहुत पहले थे, बट द हिस्ट्री विच आई केम टू नो अबाउट देम इज व्हेन दे जॉइंड इन दे जॉइंड एट 50,000, 25,000 और उनकी सैलरी हो गई कितनी? 10,00,000। 20 साल में 30 साल में ओवरनाइट नहीं हो गई, सही है? 20 साल में 30 साल में उनकी सैलरी 10,00,000 हो गई। तो क्या ख्याल है अब जब वो छोड़ कर जाएंगे? अब इम्प्लॉयर ने तो सोचा भी नहीं होगा क्या अब मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, इसकी सैलरी क्या ये? अब मिसाल के तौर पर वो 10 साल और रहता है तो 10 से कितनी हो जाएगी? 15,00,000 हो गई मिसाल के तौर पर। अब जब वो छोड़ कर जाएगा तो इम्प्लॉयर को ग्रेचुटी कितनी अमाउंट भी देनी पड़ेगी? 15,00,000। तो क्या इम्प्लॉयर को ये पता है कि ये कब छोड़ कर जाएगा? और हो सकता है छोड़ कर ही ना जाए, अल्लाह ही बुलाए उसको, फिर दुनिया से ही जाए वो, फिर क्या ख्याल है? मैंने कहा सर ये भी हो सकता है, और वो पता नहीं कब फिर उसके फैमिली को देनी पड़ेगी जो भी अमाउंट है देनी पड़ेगी। तो सर हमें तो ये भी नहीं पता। अब इसमें कितने सारे वेरिएबल्स आ गए, इफ्स एंड बट्स कितने सारे आ गए, ज़रा सोचना ज़रा। सर हमें तो ये नहीं पता इसकी लास्ट सैलरी क्या होगी, हमें तो यही नहीं पता ये कितने साल काम करेगा, कितने साल बाद खुद छोड़ के जाएगा, ये हम निकालेंगे या अल्लाह बुलाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो मेनी वेरिएबल्स बट स्टिल द कंपनी हैज प्रॉमिस्ड द बेनिफिट। तो मैं आपसे पूछूं कि कंपनी को फंड में कितने पैसे डालने चाहिए कि अगर ये इम्प्लॉई छोड़कर जाए तो फंड में सफिशिएंट फंड्स हो? सर ये तो अल्लाह को पता, ये तो अल्लाह को पता कितने पैसे होने चाहिए फंड में। मैंने कहा दिस इज द टेक्निकलिटी इन IAS 19। अब हमको पता ही कुछ नहीं है कि हमने पैसे देने कितने, बात समझ आती है? लेकिन कंपनी ने कर क्या लिया है? प्रॉमिस किस चीज का? बेनिफिट का। तो लायबिलिटी किस पर है इस बेनिफिट को फुलफिल करने की? कंपनी पर। अब इस लायबिलिटी को कैलकुलेट करना मुश्किल। सर लायबिलिटी कैलकुलेट होगी तो मतलब PNL में एक्सपेंस जाएगा, वो एक्सपेंस क्या जाएगा वो कैलकुलेट करना मुश्किल, क्योंकि ये DCP की तरह आसान तो है नहीं कि साल की सैलरी है 10% उसका एक्सपेंस PNL में गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसा तो है भी नहीं सीन। तो सर हम एक्सपेंस डेबिट क्या करेंगे, हम लायबिलिटी क्रेडिट क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे होंगे ये सारे एक्सपेंसेस? दिस साइंस इज ऑल अबाउट डिफाइंड बेनिफिट प्लान अकाउंटिंग। जब हम देखेंगे तो हम सब चीज़ें देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन क्या ये आपको इसकी केमिस्ट्री समझ आई? अब देखो ज़रा, अब मैं आता हूँ वापस से इधर इसकी डेफिनेशन पे। इसी को थोड़ा सा और स्क्रूटिनाइज करते हैं, मज़े लेते हैं इस डेफिनेशन के पहले। डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान वेयर द एंटिटी पेज फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ सेपरेट एंटिटी। तो क्या अब कंपनी को फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना है? नहीं पे करना, कंपनी बेचारी को तो पता ही नहीं कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना है, बात समझ आ रही? एंड हैज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या अब डिफाइंड बेनिफिट में कंपनी की लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गई? हो गई। देखो अगर तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि हम ग्रेचुटी देंगे, फंड बना दिया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, लीगल हो गया। अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है, मिसाल के तौर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखा हुआ है कि करंटली द एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी विच मे बी सब्जेक्ट टू एनी चेंज और इवन कैंसिलेशन बाय द एम्प्लॉयर, तो क्या अब ये लीगल ऑब्लिगेशन हुई?
नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि आज तक कंपनी ने हर बंदे को ग्रेच्युटी दी है और कंपनी की पास्ट प्रैक्टिसेस से ये एस्टेब्लिश है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने किसी को ग्रेच्युटी ना दी हो. सो विल इट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन? नो, इट विल नॉट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट स्टिल सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. तो इस केस में भी ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान ही बनेगा, ये डीसीपी नहीं हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? ये बात तो समझ आ गई आपको. अब आ जाओ जरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली बात पे चलते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी. इंटरेस्टिंग बात है बहुत. अब देखते हैं इसको. एन एंटिटी विथ अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे इट्स इंप्लॉइज. अल्फाज पे गौर करना, ये अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए, ये बार बार लिखने को जरूरत पड़ेगी आपको, एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको. एन एंटिटी आई ओ यू, एन एंटिटी विद अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे टू इट्स एम्प्लॉइज अ प्रॉमिस्ड लेवल ऑफ पेंशन बेनिफिट अपॉन रिटायरमेंट. अब बेनिफिट को प्रॉमिस कर लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉमिस नहीं है, क्या प्रॉमिस है? बेनिफिट, प्रॉमिस्ड लेवल ऑफ बेनिफिट. The pension plan obligation is a liability and is measured at present value. अच्छा, हमें पता है. अच्छा, सबसे पहली बात, क्या ये liability है? Liability है. हाँ सर, liability तो है. कैसे liability है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? अच्छा, गो के ये क्राइटेरिया प्रोविजंस का है, ये क्राइटेरिया किसका है? प्रोविजन का है. लेकिन इस केस में भी हमको भी अमाउंट कंफर्म नहीं है ना, कितनी अमाउंट देनी है. तो आओ आओ जरा इसी क्राइटेरिया के ऊपर जरा सोचते हैं. प्रोविजन इज ऑल्सो लाइबिलिटी ना, लेकिन इसके अंदर अमाउंट बहुत सर्टन नहीं है हमको, ये होता है ना बात. टाइम सर्टन नहीं और अमाउंट सर्टन नहीं. तो क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? Yes. है. किस वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. और वो इवेंट क्या है? एम्प्लॉई ने सर्विसेज दे दी. अच्छा, अगर आज भी एम्प्लॉई छोड़कर जाएगा तो क्या मुझे ग्रेच्युटी देनी है? जितनी बनती है देनी पड़ेगी. क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि सर उसने मुझे सर्विस दे दी, एम्प्लॉई मेरी सर्विस में है और वो हर साल मुझे सर्विस दे रहा है. And every passing year of service is basically adding to that liability जो मुझे देनी पड़ेगी, भले उसको 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद. लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे उसको liability pay करनी है या pay off करनी है या amount देनी है, gratuity देनी है, इधर देनी है. ये year 20 है जब ये employee छोड़कर जा रहा है. मैं खड़ा हूँ यहाँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी 1,00,000 रुपये. छोड़ कर कब जाएगा एम्प्लॉय? मुझे नहीं पता कितने साल बाद जाएगा, लेकिन मैंने कह दिया चलो 20 साल बाद जाएगा. मुझे ये भी नहीं पता इसकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन मैंने कह दिया इसकी सैलरी होगी 8,00,000 रुपये. कितने हो गए? 1,60,00,000 हुए नहीं हुए? 16,000,000. यानी एम्प्लॉय कितने पैसे लेके जाएगा? 1,60,00,000 रुपए. आप लोग अभी से सोचना शुरू हो गए हो कि हम कितने लेके जाएंगे, हैं? ख्वाबों में, ख्यालों में चले गए. आई हैव सीन एम्प्लॉयज इवन टेकिंग मच मोर देन दिस. खैर, ये जो अमाउंट है 16,000,000 की, अगर आज अब क्या इस अमाउंट के अंदर इस ईयर वन की वजह से भी कुछ एलिमेंट इंक्लूडेड है या नहीं है? हाँ या ना है? ये अमाउंट जो एक्यूमुलेट हो रही है, ये फूल के जो कुप्पा हो रही है अमाउंट, जो 20 साल बाद हमको मिलने वाली है,
तो क्या ये ऐसा ही नहीं है कि आज हम खिला रहे हैं, आज हम इसको बलून बना रहे हैं, इसके अंदर हम अपनी एफर्ट्स की वजह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय अपनी एफर्ट्स की वजह से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो 20 साल बाद जाके एक बलून बन रहा है, ऐसा है कि नहीं है? तो उस बलून अमाउंट के अंदर क्या मेरी आज की एफर्ट्स भी शामिल है? बिल्कुल शामिल है। मुझे नहीं पता ये लायबिलिटी कब देनी है, 20 साल बाद भी देनी हो, 30 साल बाद देनी हो, 10 साल बाद देनी हो, 5 साल बाद देनी हो। मिसाल के तौर पर अगर अगले ही साल एम्प्लॉय छोड़कर चले जाते हैं तो क्या मुझे ये लायबिलिटी देनी है? जी देनी है सर। 16 मिलियन नहीं देनी होगी, जितनी बनती होगी वो तो देनी होगी ना। अभी मैं अमाउंट के ऊपर बहस ही नहीं कर रहा, अभी तो मैंने बताया नहीं ना आपको कि अमाउंट कैसे आएगी, कैसे डिटरमिन होगी। अभी तो मैं इस पर बहस कर रहा हूँ कि क्या लायबिलिटी बुक होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉई ने मुझे करंट ईयर ऑफ सर्विस दे दी है, और उस करंट ईयर ऑफ सर्विस की वजह से मेरी जो पेंशन ऑब्लिगेशन है वो बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन बढ़ गई क्योंकि एम्प्लॉई ने मुझे दिस ईयर सर्विस दे दी है। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या ये लायबिलिटी मुझे आज बुक करनी चाहिए? सर ये पैसे मुझे देने तो 20 साल बाद है। उन्होंने कहा भाई पैसे भले तो ये देने 20 साल बाद है, लेकिन ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका, यू हैव टू गिव दिस अमाउंट, तो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस लायबिलिटी। अगर आपने देनी 20 साल बाद है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आज रिकॉर्ड करो। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। पैसे तो आपने देने, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से भले आप आज उसको लायबिलिटी को बुक करो, आप हर साल डिस्काउंट को अनवाइंड करो, जो भी करो, हम देखेंगे क्या करना है, क्या अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज करनी है। मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ, उसके ऊपर अगली क्लास में जाएंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी है लेकिन सर लायबिलिटी तो बुक आपको करना पड़ेगा, होगी। व्हाई? बिकॉज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। आज अगर एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएगा सो आई हैव द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द ग्रेच्युटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। अच्छा मिसाल के तौर पर सवाल है मेरा आपसे, अगर एम्प्लॉई 2 साल बाद छोड़कर चले जाते हैं, या एम्प्लॉई को 5 साल हुए ही नहीं है, तो क्या कंपनी को ये एक्सपेंस बुक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? 5 साल तो कुछ नहीं करना चाहिए ना, ऑब्लिगेटिंग इवेंट है ही नहीं मेरा। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि हो सकता है वो 1 साल बाद छोड़कर चला जाए, 2 साल बाद छोड़कर चला जाए, 3 साल बाद छोड़कर चला जाए, 4 साल बाद छोड़कर चला जाए। अगर वो 4 साल तक भी छोड़कर चला गया है, आई एम नॉट लायबल टू पे हिम इवन अ पेनी। जैसे ही 5वां साल हो जाएगा उसको, फ्रॉम दैट ईयर सर आई हैव टू देन रिकॉर्ड द एक्सपेंस, रिकॉर्ड द लायबिलिटी। अब वो छोड़कर जाएगा तो अब मेरी ऑब्लिगेशन तो बन गई है। अच्छा सर, अब ना सिर्फ ऑब्लिगेशन मेरी बन गई उस ईयर से रिलेटेड, मेरी ऑब्लिगेशन बन गई पिछले सालों से भी रिलेटेड। आर यू गेटिंग दिस? तो मेरी ऑब्लिगेशन अगर हर साल लाख लाख करके बनती तो 5वें साल जब बनेगी तो पूरी 5 लाख बन जाएगी। उस ऑब्लिगेशन के अंदर प्रायर पीरियड का इंपैक्ट भी होगा। सो वी विल सी हाउ वी विल डू इट। आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू एट द मोमेंट, बट आई एम जस्ट wanting you to think over these points as well, that this is not going to be something easy. Usme ek working hogi ki liability kaise book hogi, theek hai? But currently we know ki sir ye ek benefit promise kiya gaya hai, is benefit ko company ne fulfill karna hoga, is promise ko company ne fulfill karna hoga. To fulfill this promise, the company may be required to additionally contribute to the fund. Company will record the liability, or liability bhi sir present value pe record hogi. Are you getting this? Sari baaton ke saath hum isko thoda sa zara wrap up karte hain. Acha. इसको हमने रीड कर लिया है। एन एंटिटी विद अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे इट्स एम्प्लॉईज अ प्रॉमिस लेवल ऑफ पेंशन बेनिफिट्स अपॉन रिटायरमेंट। द पेंशन प्लान ऑब्लिगेशन इज अ लायबिलिटी एंड इज मेजर्ड एट फेयर इज मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जल्दी से बिफोर वी एंड द क्लास आई वुड लाइक यू टू रीड दिस एग्जाम्पल। अच्छा ये कोशिश कर रहे हैं ये बुक्स आप ले लो, हाँ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप स्क्रीन के ऊपर
कहीं भी नजर आया आप लोग, ये जरा पढ़ो जल्दी से, ये वाली एग्जांपल पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है या ये डिफाइंड, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है आप लोगों को? पढ़ो विद दिस एग्जांपल वी विल एंड टुडेज सेशन. एक मिनट आपके पास है, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे इसको. अच्छा भाई, अब मैं पढ़ता हूँ इसको. सवाल पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमको रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, उसूलन मुझे पहले दिखानी चाहिए थी आपको. वैसे ऊपर लिखा हुआ है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान. हमें पता लगाना है कि ये जो अरेंजमेंट है, देखो हमें पता लग गया कि पता लगेगा कैसे, क्राइटेरिया पता लग गया, डेफिनेशन पता लग गया. अब मोड मैकेनिज्म स्कीम कुछ भी दी हुई हो, हमें पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफाइन, इज इट अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और इज इट अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान. द डायरेक्टर्स विश टू नो वेदर द फंड इज अ डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. गोल्डन गेट इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, हैज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम दैट ऑल एम्प्लॉइज आर एनरोल्ड इनटू. हाउएवर, लेकिन हुआ क्या, इन द ईयर एंडेड 30 जून 2004 इट सेट अप एन एडिशनल फंड, उसने एक और फंड बनाया एज अ वे ऑफ एनहेंसिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ताकि लोगों के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को एनहेंस किया जाए. द टर्म्स ऑफ द फंड आर एज फॉलोज, और वो टर्म्स ये हैं, एम्प्लॉइज विद मोर देन 2 years ऑफ सर्विस विल बी ऑटोमेटिकली इनरोल्ड इनटू द फंड. जिसकी भी सर्विस मोर देन 2 years है वो ऑटोमेटिकली फंड में इनरोल हो जाएगा. गोल्डन गेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द फंड आर वॉलेंट्री है. वॉलेंट्री का मतलब पे करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, खुद की खुशी से. इन द ईयर एंडेड 30 जून 2004 इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन वर इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. जबरदस्त, तो इसका मतलब कि वो जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो 1% ऑफ वेजेस एंड सैलरीज का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. वेल द फंड इज इन एग्जिस्टेंस मेंबर्स विल अपॉन रिटायरमेंट रिसीव एन एनुअल सम बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. अगर ये फंड एग्जिस्टेंस में है तो जो मेंबर्स हैं अब जब वो रिटायर होंगे तो उनको जो सम रिसीव होगा वो बेस करेगा ऑन देयर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. हमें नहीं पता किस फॉर्मूले के हिसाब से करेगा, कैसे करेगा, लेकिन एक बात बता दी कि किस पे बेस करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से ये इम्प्रेशन दे दिया हमें एग्जामिनर ने कि यहाँ पर एम्प्लॉयर ने बेनिफिट प्रॉमिस किया है, क्योंकि उसको क्या पता कितने सालों तक काम करेगा बंदा, नहीं पता ना. जब पता ही नहीं है 2 साल 3 साल 10 साल तो जितने भी साल काम करेगा. अब उसने अगर कंट्रीब्यूशन कम भी पे किया हो फंड में, वो कंट्रीब्यूशन तो किस हिसाब से, देखो एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया आपको कि वो कंट्रीब्यूशन कर किस हिसाब से रहा है, 1% ऑफ वेजेस. तो देखने वाले को लगे कि ये तो डीसीपी है, कंट्रीब्यूशन जा रहा फंड में. लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है. क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि सर वो ये बेनिफिट बेस करता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस पे. अब किसके कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस होती किसी को क्या पता, कोई 10 साल बाद छोड़ के जाएगा तो कम पैसे मिलेंगे, 20 साल बाद छोड़ के जाएगा ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो अगर तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है और हमने बेनिफिट प्रॉमिस किया है नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिस पर, तो अब अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो फंड में जा रहा है अगर ये ना काफी भी होगा तो भी कंपनी को अपनी जेब से अपने पल्ले से मजीद पैसे मिला के डालने पड़ेंगे और अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा. क्या बात समझ आती है? गोल्डन गेट कैन कैंसिल द फंड एट एनी पॉइंट. लेकिन सर वो तो किसी भी वक्त कैंसिल भी कर सकता है. इफ कैंसिल्ड नो फर्दर बेनिफिट्स और कंपनसेशन विल बी पेड टू मेंबर्स. Golden Gate is well known for paying its employees significantly higher salaries than the national average. Ek to wo salary zyada dene ke liye mana jata hai. And Golden Gate produced the press release to publicly announce a fund which was widely reported and praised by several large national newspapers. Employees have a high level of trust in senior management and directors of Golden Gate. So can we say that a constructive obligation has also been established? Yes.
लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, फंड को कभी भी खत्म भी कर सकता है, लेकिन हमने कहा सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जरूर है बिकॉज इट हैज़ अ वाइड क्या कहते हैं अनाउंसमेंट भी कर दी है, पब्लिकली अनाउंसमेंट भी कर दी है, पास प्रैक्टिस भी है, और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के अंदर एक दो बातें और भी हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, दो कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद भी डिस्कस करूँगा, लेकिन क्या ये डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है? तो अगली क्लास में वी विल बी लुकिंग एट द टेक्निकल साइड ऑफ दिस डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिसमें उसके नंबर्स पर हम बात करेंगे, दैट हाउ दैट वर्किंग इज फॉर्म्यूलेटेड, जिसकी बेसिस पर आपको लाइबिलिटी वगैरह निकालनी होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर लॉट, मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।